हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे आई एम बशीर खान फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी, पीजीटी अकाउंटेंसी. टुडे वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, डबल एंट्री सिस्टम. यस डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हमने बेटा इंग्लिश अप्रोच का नाम भी दिया था. कल हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर जो किया था, चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखा था, जिसमें हमने जो है अमेरिकन अप्रोच को डिस्कशन किया था. आज हम लोग जो है इंग्लिश अप्रोच, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. इस चैप्टर में क्या है, कैसे आपने बेटा डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो आपने सीखने हैं, वो हम इसी चैप्टर में आज सीखेंगे. चलिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, करते हैं स्टार्ट. चलिए बेटा. यस डियर स्टूडेंट, चलिए बेटा हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का. डबल एंट्री सिस्टम क्या है डियर स्टूडेंट, इसको हमने इंग्लिश अप्रोच का नाम भी दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू ट्रांजेक्शन, वन इज द रिसीवर, सेकेंड इज द गिवर. जब भी बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होता है, एटलीस्ट टू अकाउंट्स को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बेटा हिस्ट्री का, अकाउंटिंग का, तो देखिए बेटा जो अकाउंटिंग है, जो डबल एंट्री है, उसके जो फादर हैं, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा लुकास पाशियोली. यस माय डियर स्टूडेंट, लुकास पाशियोली, ये कौन है बेटा, फादर ऑफ अकाउंटेंसी है, जिन्होंने बेटा क्या किया था, डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इनकी जो बुक थी वो 1494 के अंदर डबल एंट्री सिस्टम के नाम से इन्होंने अपनी बुक जो है उसको क्या किया था, पब्लिश किया था. उसके बाद में ये बुक जो है बहुत ज़्यादा बेटा पॉपुलर हुई थी, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि इसको बेटा जो है बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. कब किया गया था बेटा, 1544 के अंदर इस बुक को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. तो ये कैसे बेटा पर्सनैलिटी का नाम है, जिन्होंने बेटा इस बात को बेटा क्या करने में, प्रूव करने में कि एवरी डेबिट रिक्वायर क्रेडिट, कि देखिए बेटा सभी डेबिट को, ठीक है बेटा, किसका रिक्वायरमेंट रहता है, क्रेडिट का रिक्वायरमेंट रहता है, ये प्रूव करने के लिए इन्होंने बेटा काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया था. और इन्होंने जो बेटा डबल एंट्री सिस्टम को जो है बेटा क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था. तो इनको बेटा इसलिए जो है डबल एंट्री का या अकाउंटेंसी का बेटा फादर जो है वो कहा जाता है, लुकास पाशियोली. यस डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बेटा डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है बेटा. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू ट्रांजेक्शन इनवर्सली, वन इज रिसीवर एनोदर इज गिवर. एक जो है वो रिसीवर होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, गिवर होता है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा डबल एंट्री की, तो डबल एंट्री के अंदर जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है, तो यहाँ पे आपके साथ ने बेटा टू अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं, यानी ड्यूअल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, एक यहाँ पे कैश हमारा और एक दूसरा हमारा जो है सेल, ये जो है बेटा हमारा क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है. तो बेटा हमारे पास कोई भी एक ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होता है जिससे सिर्फ ओनली एक ही अकाउंट हमारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है. हमारे टू अकाउंट जो है बेटा वो इन्वर्सली क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं. ये कौन कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम. अगर हम बात करें बेटा डबल एंट्री सिस्टम की, तो यहाँ पे इसकी फीचर की बात करेंगे, तो डबल एंट्री सिस्टम के जो फीचर है बेटा वो आप एक बार बेटा यहाँ से चेक कर सकते हैं. देखिए बेटा सबसे पहले अगर बात करें बेटा एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, देखिए हमने अभी डिस्कशन किया था बेटा कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो बेटा एटलीस्ट जो है कम से कम दो अकाउंट जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है बेटा. एक हमारा रिसीवर का होता है, दूसरा हमारा किसका होता है बेटा, गिवर का होता है. कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होता जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट हमारा अफेक्ट होता है. सेकेंड अगर हम बात करें बेटा रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, बेटा अकाउंट्स हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल. तो ये बेटा दोनों को अफेक्ट करता है. हो सकता है किसी
ट्रांजैक्शन में दोनों ही पर्सनल अफेक्टेड हो सकता है किसी में दोनों बेटा एक पर्सनल और एक दूसरा बेटा इम्पर्सनल हो, तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है हमारा। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक, बेटा किस अकाउंट को आपने डेबिट करना है, किस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, हम बेटा ऐसे ही नहीं कर देते। किसी भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हमारे पास सर्टेन रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम बेटा सर्टेन जो बेटा अकाउंट्स होते हैं उसको हम बेटा स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखिए बेटा अभी हमने बात किया एवरी डेबिट रिक्वायर क्रेडिट, एवरी क्रेडिट रिक्वायर डेबिट, कि सभी डेबिट को क्रेडिट का रिक्वायरमेंट होता है, क्रेडिट को डेबिट का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए दोनों साइड बेटा हमारी इक्वल रहती है। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस यानी लिस्ट एक प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम चेक करते हैं क्या हमारे अकाउंट मैथमेटिकली बेटा करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए बेटा अकाउंट्स हमारे जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पहला होता है पर्सनल और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल। तो अभी हम पहले पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे। सारे बच्चे जो हैं ध्यान से बेटा यहाँ पे देखेंगे, अकाउंट्स अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टू कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने अकाउंट्स को जो बेटा डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा, तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारी बेटा अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। आपने जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है पर्सनल अकाउंट बेटा। एनी अकाउंट रिलेटेड विद पर्सन फर्म, एनी अकाउंट रिलेटेड विद पर्सन फर्म इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट जो बेटा किसी पर्सन से, किसी फर्म से रिलेटेड होता है, किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, वो हमारे बेटा कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा पर्सनल अकाउंट की, जैसे इसमें एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे राम है, श्याम है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे मीना है, गीता है, ठीक है बेटा, ऑल आर पर्सनल अकाउंट। जैसे बेटा सूरज ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, सूरज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये बेटा एक इंस्टीट्यूशन है, एक बेटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी हमारे बेटा रिलायंस है, रिलायंस लिमिटेड है, ये सारे के सारे बेटा हमारे कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एनी अकाउंट रिलेटेड विद पर्सन फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे रूल की, तो पर्सनल अकाउंट पे बेटा रूल कौन सा अप्लाई होता है, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे जो रूल रहेगा हमारा वो रहेगा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी बेटा पर्सन या फर्म रिसीवर है उसको आपने डेबिट करना है और जो भी गिवर है उसको आपने क्रेडिट करना है। चलिए बेटा हम एग्जांपल लेके देखते हैं, कैश पेड टू राहुल, हमने राहुल को कैश पेड किया 2000। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे किसको पेड कर रहे हैं हम लोग बेटा, राहुल को। राहुल कौन सा अकाउंट है, सर पर्सनल अकाउंट है, और राहुल बेटा आपको पेड कर रहे हैं हम राहुल को। तो आप ये बताइए राहुल रिसीवर है या गीवर है, कैश पेड टू राहुल, राहुल को पेड कर रहे हैं, रिसीवर है सर, तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे राहुल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश received from मीना, हमें मीना से कैश मिला बेटा, तो यहाँ पे कैश received हुआ है, तो मीना बेटा पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है या गीवर है, सर ये तो गीवर है, तो क्रेडिट द गीवर। तो यहाँ पे मीना को आपने बेटा क्या करना है, क्रेडिट करना है, ये कहता है बेटा हमारा पर्सनल अकाउंट। अभी हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसको हमने बेटा थ्री एडिशनल या सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है।
तो यहाँ पे आप सबने बेटा चेक करना है। पर्सनल अकाउंट के 3 बेटा एडिशनल कैटेगरीज है। पहला हमारा आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारा आता है आर्टिफिशियल। थर्ड हमारा आता है मेरे बच्चों रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यस डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जो पर्सनल अकाउंट है उसकी फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बेटा इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स अकाउंट आर इन्वॉल्व, लाइक राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। यस डियर स्टूडेंट, तो नेचुरल पर्सनल में कौन से आते हैं बेटा? जो ऑल ह्यूमन बींग के अकाउंट होते हैं वो हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ये आपने बेटा चेक कर लेना है, याद भी रखना है कि नेचुरल में कौन कौन से आते हैं। सेकंड हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बेटा दीज अकाउंट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। बेटा इनके पास अपना खुद का बॉडी नहीं होता है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे राम के पास अपना है, श्याम के पास है, इनके पास अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बेटा, ठीक है। बट दे वर्क एज पर्सनल, लेकिन ये बेटा एक पर्सन का काम करते हैं। जैसे हम बात करेंगे बेटा कोई भी लिमिटेड कंपनी है, कोई भी लिमिटेड कंपनी है आपके बेटा, लाइक रिलायंस, रिलायंस लिमिटेड है आपका। इसके अलावा बेटा हम बात करें कोई भी आपका जैसे बैंक हो सकता है, HDFC बैंक, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा हम बात करें बेटा सूरज ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, सूरज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो ये सारे के सारे बेटा हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। थर्ड अगर हम बात करें बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव, वेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब कोई अकाउंट बेटा किसी पर्सन को या ग्रुप को बेटा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पे जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। जैसे बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंटेटिव हमने क्यों बोला है, मान लीजिए बेटा किसी भी फर्म के अंदर अगर एम्प्लॉयज की सैलरी ड्यूज है, हमने उनको पेमेंट नहीं किया, ड्यू है, तो ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके लिए बेटा हमने एम्प्लॉय के लिए अकाउंट बना दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। प्रिपेड एक्सपेंस, प्रिपेड एक्सपेंस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेटा। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट था बेटा आज हमने पढ़ा है। रिमेनिंग जो 2 है बेटा वो हम लोग जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बेटा, अच्छे से आपने करना है, ये चैप्टर बेस है, इसी के बेस पे हम लोगों ने बेटा जो है ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।